नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी के सात पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा नी अपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली जाती है और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल जाती है। उसे दूसरे दिन वह बात याद आती है, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंचती है और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही ऐसा किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह तो चकित ही रह गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईशा से कहा, भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो उससे और भी ज्यादा धन लाना चाहिए था। सांप ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रसन्नता उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण
छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी से हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ये क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरा मणियों का वह हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहन अपने हार और इन सहित घर लेकर आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे अभी खा लूंगा। यह सुनकर छोटी का पति बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। तो दोस्तों ये थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन कहानी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल भक्ति खबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।